आंसर है उन लोगों को जो मुझे कहते हैं कि ये बोर्ड लेवल का टीचर है, ये बोर्ड लेवल का टीचर है, ये आईटी क्या पढ़ाएगा, बोर्ड लेवल का टीचर है। सो दीज वीडियोज मैं उनको जाके दिखा नहीं सकता। दीज वीडियोज आर माई आंसर टू ऑल दोज हु प्रोक्लेम मी एज अ बोर्ड लेवल टीचर और वॉट एवर। मैं जल्दी किसी पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना ही मैं यूट्यूब पर जाके चीज़ें रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज ग्रुप है, हम लोग कुछ बच्चे हैं, हम लोग कुछ अपने लोग हैं, तो यहाँ पे मैं ये बातें कर रहा हूँ। सिर्फ लक्ष्य बैच की डीपीपीज हो, लक्ष्य बैच के क्लासरूम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर न्यूमेरिकल अपने आप में आईआईटी लेवल का होता है या नीट लेवल का होता है, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, ऐसे काफी न्यूमेरिकल्स एक लेक्चर के अंदर होते हैं जो आईआईटी के लेवल के होते हैं। आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, आपको हमेशा एकदम बढ़िया लेवल वाले सवाल मिलेंगे, इसके अंदर डिटेल में कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल करा रहे हैं खड़े होके, है ना, कि 2x2 ये 3 ये 5 ये 7, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल करा रहे हैं, फील सवाल कॉन्सेप्ट एवरीथिंग। एंड व्हाई इज इट हैपनिंग, मैंने तो जितना प्रॉमिस किया था उससे कहीं ज्यादा हर चीज में तुमको डिलीवर किया। मैंने कई चीजें तुमको प्रॉमिस नहीं की थी, मैंने वो भी तुमको डिलीवर की है। तुम उसमें भी कह रहे हो कि अब ये भी करा दोगे वो भी करा। ऐसे कई बच्चे अभी मैंने देखा कमेंट में लिख रहे थे केमिस्ट्री बायो मैथ सब फ्री में दे दो। मैं दे दूं फ्री में? फ्री की ना वैल्यू नहीं है दुनिया में। मैंने फ्री में पिछले 4 साल पढ़ाया, आज क्या है मेरी वैल्यू? आज गालियां पड़ती हैं। एक छोटा सा कोर्स लेके आ जाओ, पूरे भारत का सबसे सस्ता नीट का और सबसे डेडिकेटेड कोर्स लेके मैं आया। आप कोरा पे जाके रिव्यू पढ़ो, कितने रिव्यू लिखवाऊंगा मैं? ना ही मैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हूं कि बहुत रिव्यू लिखा सकता हूं। पूरे भारत का सबसे सस्ता नीट का कोर्स लेके आया। आप गली मोहल्ले की कोचिंग में जाके भी अगर आप नीट पढ़ते हो, एक नॉर्मल एवरेज, मैं भी एवरेज टीचर हूं, एक आप इनएक्सपीरियंस टीचर से भी पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वहां भी बेटा नीट की कम से कम फीस 15-20 हजार, मैं सबसे खराब हालत में बोल रहा हूं। अभी दूसरे बच्चे आएंगे यहां बोले तो बोलेंगे 1-1.5 लाख तो होती है, 1-1.5 लाख भी होती है, पर मैं तो बता रहा हूं जहां फैकल्टी सच में अच्छी नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होती है, एक गली मोहल्ले की कोचिंग में भी जाओगे आप, वहां 15 हजार फीस होती है नीट की, 10 हजार होती है कम से कम। 3,500 में मैं लेके आया, ऐसी ऐसी फैकल्टी लेके आया कि उनके बारे में आप गूगल पे सर्च करो, कोरा पे सर्च करो, आप पागल हो जाओगे कि कितनी बड़ी फैकल्टी है। जहां ऑनलाइन में 3,500 में नीट का फुल ईयर कोर्स कोई निकाला, 6 मंथ्स का फास्ट ट्रैक कोर्स, 2-2 घंटे क्लासेस होती है, डीपीपीज होती है, ये होता है वो होता है, यहां कोई वैल्यू नहीं करता है कितना भी मेहनत कर लो। मैं 17-19 घंटे काम कर रहा हूं, मैं 3 दिन से टी शर्ट नहीं बदला हूं, अभी एक बच्चा यही कमेंट कर रहा है, यहां कोई वैल्यू नहीं होती है चीजों की। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। फ्री की कोई इज्जत नहीं है दुनिया में, मैंने किया ना फ्री में इतने दिन, मैंने देखा कोई इज्जत नहीं है। आज मैंने कोर्स अपना 3,500 पे रखा तो लोग उस पे ये बोलते हैं कि ये बहुत सस्ता कोर्स है, खराब होगा, 3,500 में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 3,500 में तो ऐसे ही पढ़ा देंगे। बच्चे ये तक मेल करके पूछते हैं कि अलग से अपने यूट्यूब के रिकॉर्डेड वीडियो तो नहीं चलाएंगे इस बैच के अंदर, क्या सच में फिर से पढ़ा देंगे 3,500 के अंदर? और जब वो अंदर आते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि 3,500 में इतनी पढ़ाई कराई जा रही है, 2-2 घंटे क्लास, डीपीपी, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन शेड्यूल, टेस्ट, क्राउड की सुनना बंद करके सिर्फ अच्छा करना चाहता हूं जो मुझे सही। मेरे को लग रहा है लक्ष्य बैच को जरूरत है टेस्ट सीरीज की, मैं लेके आऊंगा। मुझे लगा वो टेस्ट सीरीज फ्री होनी चाहिए, मैंने फ्री की। मुझे लग रहा है लक्ष्य बैच को एक बोर्ड की टेस्ट सीरीज की जरूरत है, इन बच्चों को बोर्ड के लिए तैयार कराना है, मैं लेके आऊंगा। मुझे लग रहा है ये बच्चे केमिस्ट्री बायो मैथ्स नहीं पढ़े होंगे, मैं रहा इनके लिए केमिस्ट्री बायो मैथ्स का अरेंजमेंट करूंगा, जो मुझे सही लग रहा है।